नमस्कार, मैं माया सूर्यवंशी, स्वागत है आपका माया फूड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो काजू की चिक्की। काजू इसमें कम है लेकिन ओरियो ज़्यादा है। आपने ओरियो के लड्डू तो खाए होंगे, मोदक भी खाए हैं आई एम श्योर, लेकिन चिक्की ये फर्स्ट टाइम आप खाएंगे। तो इसे कैसे बनाना है इसके लिए देखिए मेरा ये वीडियो। तो ओरियो चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे गुड़ लिया है और ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। तो पहले तो हम इन बिस्किट्स में से क्रीम को अलग कर लेंगे, इजीली हट जाएगी सारी क्रीम को हम पहले हटा लेते हैं। तो बहुत ही इजीली हमने बिस्किट में से क्रीम को अलग कर लिया है। अब इसे कूटना नहीं है, जस्ट आप इसके हाथों से इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए। सारे बिस्किट के हम कर लेते हैं, मिक्सी में इन्हें नहीं पीसेंगे वरना ये एकदम पूरी तरह से क्रश हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट इसलिए यूज किया है क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, अदरवाइज दूसरे बिस्किट जो है वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे। टुकड़े कर लिए हमने इसके। तो अब एक पैन में या कढ़ाई में पानी डालेंगे क्योंकि हमें चाशनी बनाना है गुड़ के साथ। थोड़ा पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है, गर्म होने देंगे इसे। अब हम इसमें ये गुड़ ऐड करेंगे, इसे चलाएं अच्छी तरह से। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है लेकिन हमें इसकी चाशनी बनाना है। वैसे ओरियो चिक्की बनाते बनाते एक आइडिया ये भी आया है कि क्यों ना इसमें थोड़े से काजू भी ऐड किया जाए। तो 4 से 5 काजू को मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, अभी चाशनी बनने में थोड़ा वक्त है। तो चाशनी का कलर हमारा थोड़ा रेड होने लगा है लेकिन ये अभी पक्की नहीं है, कुछ देर हम इसे और चलाएंगे। चाशनी हमारी परफेक्ट बनी है या नहीं ये देखने के लिए एक बाउल में पानी लिया है, इसमें हम 1-2 बूंद इसकी डालेंगे और फिर इस तरह से इसे निकाल कर हम चेक करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा वक्त हमारी चाशनी बनने में है क्योंकि इसमें वो क्रंच नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ देर हम इसे फिर और पकाएंगे। 1 मिनट के बाद हम फिर से चेक करते हैं। एकदम परफेक्ट बन चुकी है, गैस को हम बंद कर देते हैं। अब गैस को हम बंद कर चुके हैं, इसमें हम ये थोड़े से काजू डाल सकते हैं ताकि हमारी चिक्की में कलर भी अच्छा दिखे। मिक्स कर लेंगे लेकिन बिस्किट हमें अभी नहीं डालना है, थोड़ा हम इसे ठंडा करेंगे इसके बाद ही हम बिस्किट डालेंगे वरना वो मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा इसे हम ठंडा होने देंगे। अब इसमें हम इस बिस्किट को भी डाल देते हैं। हल्का सा हम इन्हें चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाना है हमें। अब हम इन्हें सेट करने के लिए एक स्टील की प्लेट ले ली है, इसके ऊपर हम घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब इस मिश्रण को हम इसमें डालेंगे, इस तरह से इसे डालेंगे, थोड़ा फैलाएंगे हम इसे, शेप देने की कोशिश करेंगे। ये काफी गर्म है इसलिए स्टील की एक कटोरी लेंगे, नीचे से इसमें भी तेल लगाएंगे और इस तरह से इसे फैला लेंगे। बस हमने इन्हें एक शेप दे दिया है, अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, इसे हम ठंडा होने देंगे। चाहे तो पहले भी आप थोड़ा सा कट इसमें लगा सकते हैं, अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। अभी ये कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ है इसलिए मैंने कट
कट लगाने की कोशिश की, बहुत अच्छी तरह से इस पे कट लग चुका है। और कट इसमें हम दे देते हैं। अब इसे कंप्लीटली हम ठंडा होने देंगे। तो अभी रूम टेम्परेचर पर हमारी ये चिक्की ठंडी हो चुकी है, इजीली ये निकल भी आएगी। ये देखिए, काफी इजीली निकल चुकी है। अब क्रंच देखिए इसका। सो आपको यदि ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।